Hello students, good morning. My name is Ajay Prajapati and I am from BCom Accounting and Finance Department. So, जैसे कि हमने last lecture में देखा था different types of computer networks. So today we are going to see some network topologies. But before starting that, we are going to do a quick revision. So what are the objectives of a computer network? Like we have seen in the last lecture, it is a resource sharing, reliability, economic, performance, remote connectivity, and security. All these are come under the objectives of a computer network. Next one is the types of network. Just like we have seen in the last lecture, mein dekhe the, there are four types of networks, which are personal area network, local area network, metropolitan area network, and the last one is wide area network. तो जैसे कि हमने last lecture में देखा था, personal area network मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम सिर्फ हमारी personal चीज़ है, जैसे कि mobile phone, हमारा computer, हमारी PCs, जहाँ पर एक network के अंदर connected रहेंगे, उसे हम कहेंगे personal area network. Next one is your local area network, मतलब ऐसा network जहाँ पर एक building के अंदर या फिर एक premises के अंदर जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस है, जब वो कनेक्ट रहेंगे उसे हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक सिटी के अंदर जो भी डिफरेंट बिल्डिंग्स या फिर डिफरेंट प्रीमाइसेस रहेंगे जिसमें लोग ऑलरेडी लैन का यूज़ कर रहे हैं, जब वो सारे नेटवर्क्स एक सिंगल नेटवर्क्स पर कनेक्ट होंगे उसे हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. And the last one is wide area network. Wide area network means between two countries. जैसे कि एक country में जो network है वही same network दूसरी country के network से एक single network के under जब connect होगा उसे हम कहेंगे wide area network. For example, is your internet. ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम network के types देख रहे हैं वैसे वैसे network का area जो है वो बढ़ता जा रहा है. पहले वो एक पर्सनल लेवल पर था, फिर एक पर्सनल लेवल मीन्स एक पर्सनल एरिया तक था, फॉर एग्जांपल योर रूम और योर बेडरूम और योर हॉल और योर हाउस, उसके बाद एक बिल्डिंग तक, उसके बाद फिर टू डिफरेंट बिल्डिंग्स और टू डिफरेंट प्रीमाइसेस को वो कनेक्ट करता है जिसे हम मैन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड उसके बाद वो टू डिफरेंट कंट्रीज में जो नेटवर्क होते हैं उससे वो कनेक्ट करता है जिसे हम वैन करते हैं, और उसका एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट. या सो दिस इज फ्रॉम द लास्ट लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ नेटवर्क टोपोलॉजीज. सो अगेन देर आर फोर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मेस्ट टोपोलॉजी. तो ये सारे टोपोलॉजीज क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हम वन बाय वन इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ बस टोपोलॉजी. So what is bus topology? All devices are connected to a central cable called bus or backbone. This structure is very popular for local area network. जैसे कि हमने देखा था last lecture में LAN क्या होता है आप सभी को पता है. तो local area network में सबसे ज्यादा जिस topology का use किया जाता है उसे हम कहते हैं bus topology. Bus topology क्या होता है उसके लिए आपको एक फोटो बाजू में शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हो. जैसे कि एक केबल है, सिंगल केबल, जिसके अंदर से नेटवर्क मतलब नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है और उसी केबल को डिफरेंट डिवाइसेस या कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं. तो क्या होगा, जो भी डिवाइसेस या जो भी कंप्यूटर्स वहां पर कनेक्टेड है उन सभी को उस केबल के थ्रू ही नेटवर्क मिलेगा. ओके, सो इट इज मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी. जितने भी टोपोलॉजीज है उसमें सबसे ईजिएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट है बस टोपोलॉजी. और इसमें कनेक्शन जो है वो बहुत ही ईजी होता है. आपको बस एक आपका कंप्यूटर लेना है और उसे एक वायर के थ्रू उस केबल को कनेक्ट कर देना है. यू हैव टू कनेक्ट दैट कंप्यूटर विद अ बैकबोन और अ केबल विच इज शोन इन द डायग्राम. ओके, इसमें आप कंप्यूटर आप कनेक्ट भी ईजिली कर सकते हो और उससे रिमूव भी ईजिली कर सकते हो. So now we'll see some advantages and disadvantages of bus topology. First we'll see the advantages. One,
रिलायबल एंड वेरी स्मॉल नेटवर्क एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो ऐसा नेटवर्क है जो रिलायबल है, बहुत ही छोटा भी होता है और समझने के लिए भी बहुत ईजी है, जिसे हम समझ सकते हैं, और यूज़ करने के लिए भी बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपको सिंपली एक कंप्यूटर डिवाइस को एक केबल से कनेक्ट कर देना है और उसमें से ही उसे नेटवर्क मिलेगा एंड योर वर्क विल स्टार्ट। नेक्स्ट, रिपीटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सटेंड द बस नेटवर्क। रिपीटर्स जो होते हैं वो बस नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फेलियर ऑफ एनी नॉड डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क। अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है नॉड। नॉड इज नथिंग बट योर कंप्यूटर डिवाइस। सो वो वर्ड देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉड इज नथिंग बट अ कंप्यूटर डिवाइस। तो क्या बोला गया है कि फेलियर ऑफ एनी नॉड डज नॉट अफेक्ट द होल कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे कि हमने प्रीवियस फोटो में देखा था, यहाँ पर पांच टाइप के डिवाइसेस कनेक्टेड दिखाया, 1 2 3 4 5। सो अगर डिवाइस वन खराब हो जाता है या फिर वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो बाकी के चार डिवाइस पे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही कहा गया है आपके लास्ट एडवांटेज में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस नेटवर्क। अगर वहाँ पर आपको वर्क ज़्यादा रहेगा, सारे डिवाइसेस वर्क हो रहे हैं और सभी पे नेटवर्क ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उस समय पर आपका जो नेटवर्क है थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इफ़ द मेन केबल फेल्स द होल नेटवर्क डैमेजेस। मेन केबल अभी यहाँ पर कौन सी बताई हुई है, आई एम सॉरी, जो बस टोपोलॉजी में मेन मिडल केबल है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर वो केबल, मतलब वो जिसे हम बैकबोन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बैकबोन फेल हो जाता है, तो बट ऑब्वियस है सारे डिवाइसेस उससे जितने भी कनेक्टेड रहेंगे वो सारे फेल हो जाएंगे, मतलब वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ मेन कंप्यूटर सर्वर विल ब्रिंग डाउन द एंटायर नेटवर्क। मतलब जिस कंप्यूटर नेटवर्क पे सारी बस टोपोलॉजी वर्क कर रही है उसे हम सर्वर कहते हैं, अगर वो सर्वर ही फेल हो जाए तो आपके जो भी नेटवर्क उस पर वर्क कर रहा है या अभी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारे फेल हो जाएंगे और उस पर वर्क आप नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टोपोलॉजी विच इज रिंग टोपोलॉजी। सो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन द शेप ऑफ अ क्लोज्ड लूप। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू अ केबल, ठीक है। जैसे कि डिवाइस वन है जो डिवाइस टू से एक केबल के थ्रू कनेक्ट है, फिर वहां पर ही डिवाइस टू डिवाइस थ्री से, इन द सेम वे डिवाइस थ्री डिवाइस फोर से, डिवाइस फोर डिवाइस फाइव से, और डिवाइस फाइव डिवाइस सिक्स से, एंड डिवाइस सिक्स इन द एंड डिवाइड वन से वापस कनेक्ट हो रहा है। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू टू अदर डिवाइसेस, वन ऑन ईदर साइड ऑफ इट। मतलब हर एक डिवाइस जो है वो उसके साथ में बाकी दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक डिवाइस डिवाइस वन जो है यहाँ पर डिवाइस टू और डिवाइस सिक्स से कनेक्टेड है, उसी तरह से डिवाइस थ्री जो है डिवाइस टू और डिवाइस फोर से कनेक्टेड होता है। इस टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे तो एक रिंग क्रिएट हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। सो नाउ वील सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट एडवांटेज, लेस केबल कॉस्ट। क्योंकि आप देख सकते हो कि जहाँ जो केबल इसमें यूज की गई है बहुत ही कम की गई है, इसीलिए लॉजिकली देखे जाए तो जो केबल की कॉस्ट होगी वो कंपेरेटिवली कम ही होगी। नेक्स्ट, रिंग नेटवर्क्स आर इजीली एक्सटेंडेबल। मतलब आप अगर चाहो तो इस नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो एक और न्यू डिवाइस या फिर न्यू नोड आप इसमें कनेक्ट इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस फॉर स्मॉल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। इट मींस कि जब भी आप इसमें वर्क करोगे और वहां पर स्मॉल नंबर्स होंगे कंप्यूटर पर, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा बिकॉज नेटवर्क ट्रैफिक उसमें कम होगा। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट, फेलियर ऑफ एनी नॉड विल डैमेज द होल नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे कि इस डायग्राम में या फिर इस फोटो में बताया गया है कि
फर्स्ट डिवाइस इज कनेक्टेड विद अदर टू, अगर वहाँ पर फेलियर है तो बाकी के सारे डिवाइस भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. नेक्स्ट, डेटा हैज़ टू ट्रैवल थ्रू वेरी ट्रैवल थ्रू एवरी कंप्यूटर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन. मतलब अगर एक डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हर कंप्यूटर के थ्रू उसे जाना होगा. इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी. द रिंग टोपोलॉजी इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, मतलब थोड़ी सी कॉस्टली है और इंस्टॉल करने में भी इसे डिफिकल्टी कुछ फेस करनी पड़ती है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.